आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि रिएक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। अभी तक आपने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर्स में हमने सारी जितनी सारी रिएक्टर की टाइप आती है वो सारी हमने ब्रीफली डिस्कस की। बैच टाइप रिएक्टर, CSTR, PBR, PFR, FBR, मतलब एटलीस्ट ऐसा कोई रिएक्टर नहीं छोड़ा जो आपको डिस्कस ना किया हो। और एटलीस्ट लास्ट में हमने सारे रिएक्टर का कंक्लूजन किया, इट्स मीन डिफरेंस निकाला, और वहां से आपको पता चला सबसे बेस्ट रिएक्टर कौन सा है। तो उसी रिएक्टर के अगले श्रृंखला में चलें कि अगर वही रिएक्टर किस किस प्रकार के एलॉय से, इट्स मीन किस किस प्रकार के धातु से मिलकर बनता है, और जिस जिस धातु से मिलकर बन सकता है, कितने प्रकार से धातु से मिलकर वह रिएक्टर बन सकता है, आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर आपसे इंटरव्यू में देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा बैच टाइप, CSTR, PBR, FBR, ये आपका जब आप कॉलेज से आते हो एज ए फ्रेशर रहते हो तो आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। बट जब आप इंडस्ट्री में 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपका क्वेश्चन उठता है बेस्ट ऑन एमओसी ऑफ रिएक्टर। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर रिएक्टर कितने प्रकार का होता है, तो आज हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करता हूँ। प्रणाम, मैं आयुष मैं त्रिपाठी और आप आ चुके हैं AD केमिकल पॉइंट के प्योर चैनल केमिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा एमओसी ऑफ रिएक्टर, एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्यों जरूरत पड़ी पहले एमओसी की ये बात सोचते हैं, जब मेरे पास एक बैच टाइप CSTR इतने सारे रिएक्टर थे किसी एक प्रकार के एलॉय से मिलकर बना देते हैं। हम एज्यूम कर लीजिए, चलिए आप यहाँ पे SS पकड़ लेते हैं, SS का ही रिएक्टर बना के छोड़ देते हैं, वो या तो बैच का रहता या CSTR का रहता या PFR का रहता या PR का रहता। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी ये जानने वाली बात है। जरूरत हमें इसलिए पड़ी, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने देखा जब हम रिएक्टर में रिएक्शन करा रहे हैं तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूट अवेलेबल थे और डिफरेंट टाइप से वो रिएक्शन कर रहे थे। कहीं एक्सोथर्मिक हो रहा था, कहीं एंडोथर्मिक हो रहा था। फिर हमने देखा कि जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूट है उनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, कोई हाईली एसिड है, कोई हाईली बेस है, कोई हाईली करोजी है। तो ये सारे तमाम सारे प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल की अपनी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखते हुए, उसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने रिएक्टर को अलग अलग धातु से मिलकर बनाया। क्योंकि हर एक मटेरियल, अगर आप बात करें नाइट्रिक एसिड HNO3CN, आप जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, वो क्या है आपका हाईली फ्लेमेबल है, तो इसके लिए क्या अलग चाहिए। ओके, अब आप देखते हैं हमारे किसी रिएक्टर में कॉस्टिक की सोल्यूशन जा रही है तो आप देख रहे हैं हाईली बेसिक है, तो इसके लिए हमें अलग टाइप का एलॉय चाहिए। तो उसके लिए हमें लाना पड़ा एमओसी, मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप ये समझ गए होंगे कि एमओसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स को हैंडल करना था, ठीक है। लेकिन इसको बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना पड़ा। ये ऐसे नहीं आपके 10 रिएक्टर आ गए, इसको बनाने के लिए हमें 6 फैक्टर को अपने कॉन्सेप्ट में रखना पड़ा। क्या है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमें सेफ्टी, कोई भी रिएक्टर जब हम डिजाइन कर रहे थे सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है या होना चाहिए कि सेफ्टी। सेफ्टी कैसा, सेफ्टी इट्स मीन जो व्यक्ति उस रिएक्टर पर रिएक्शन कराएगा, जो व्यक्ति उसे ऑपरेट करेगा, आप ऑपरेटर कह सकते हैं या सुपरवाइजर कह सकते हैं, जो रिएक्शन को वहां पे कराएगा वो वहां पे सेफ तो है ना। ऐसा नहीं हम रिएक्टर तो बना दिए लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करें, चलिए सपोज दैट कोई वाल है, वो फीडिंग लाइन का वाल है, हम उसे ओपन करते हैं और उस फीडिंग लाइन का जो वाल है ना, जो हम फीड करा रहे हैं उसका वाल नीचे ओपन होता है और वही वेंट वाल नीचे है उसका टॉप पे होता है, तो आप क्या देंगे, दोनों वाल एक दूसरे से टच करेंगे। अगर हमें इन द रेयर केस फीडिंग वाल खोल दिए और रिएक्शन के दौरान हमें वेंट वाल खोलना पड़ा, रिएक्टर का प्रेशर सडनली बढ़ गया, तो वह दौरान वह वाल खुलेगा नहीं, क्योंकि दोनों वाल का जो ओपन वाल है एक ही डायरेक्शन में है और दोनों नहीं खोल सकते, कोई एक ही खोल सकते। इट्स मीन हम वहां पे रिएक्टर की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते, ये ध्यान में रखना पड़ता है सेफ्टी। दूसरा आता है कोरोजन रेजिस्टेंस। अब हम जो रिएक्टर बनाएंगे तो उसमें जिस प्रकार के रिएक्शंस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, अगर वह रिएक्टर हाईली कोरोजी मांगता है तो हम हाईली कोरोजी वाला उसमें एलॉय मंगाएंगे, अगर वह रिएक्शन उसमें हाईली आपका बेस है उसके लिए हम अलग बनाएंगे जी, अगर हम उसमें हाईली एसिड है उसके लिए अलग बनाएंगे। तो हमें कोरोजी रेजिस्टेंस हमारे फैक्टर में होना चाहिए कि वह जो मटेरियल है किस प्रकार का
याद रखिए किस प्रकार का वो डिमांड कर रहा है, एसिड का। अगर एसिड का मांगेगा तो उसके लिए अलग टाइप का रिएक्टर, बेस मांग रहा है उसके लिए अलग प्रकार का रिएक्टर। आई बात समझ में। तीसरा स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक। अब जब रिएक्टर हमारा बन गया, सेफ्टी हमने ध्यान में रखा, कोरोजन रेजिस्टेंस ध्यान में रखा, अब हम देखेंगे थर्मल हमारा रिएक्टर अगर तैयार हो रहा है तो रिएक्टर तैयार एक एक पार्ट जब उसका मिल मिल के उसे तैयार हो रहा है, उसके पहले हम उसकी थर्मल शॉक से क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। थर्मल शॉक क्या होता है, ये एक प्रकार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हल्का सा, याद रखिए कहीं भी पिन अगर होता है रिएक्टर में, कहीं भी हल्का सा होल या लाइन हल्का सा कहीं लीकेज है तो उसे हम क्या करते हैं साउंड से चेक करते रहते हैं। जहां पे भी लीकेज की चांस होगी वो एक प्रकार की साउंड वाइब्रेट करती है तो हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे थर्मल शॉक हो रहा है। जैसा कि आप फिगर में यहां देख सकते हो, थर्मल शॉक का मैं फिगर दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब लाया गया केमिकल कंपेटिबिलिटी। हालांकि ये होता है आपका सेकेंडरी राउंड में हो जाता है कि किस प्रकार का केमिकल आप उससे करा रहे हो, उस रिएक्टर में किस प्रकार की केमिकल आप जिस रिएक्टर की फीड उसमें जिस प्रकार का केमिकल डालना है वो उसके साथ कंपेटिबल तो है ना, कंफर्टेबल तो है ना। ऐसा नहीं कि वो मांग रहा है हाईली बेस और आप करा रहे हो जीएलआर, इट्स ग्लास लैंडिंग, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो केमिकल कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। तो अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कोरोजन और केमिकल कंपेटिबिलिटी की लगभग लगभग मैंने सेम डिफिनेशन दी। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जो रिएक्टर है वह कोरोजिव नहीं होना चाहिए। इट्स मीन जब रिएक्शन कराएं तो वह रिएक्टर की स्ट्रेंथ को कम ना कर दे, वह इन्वायरमेंट के साथ याद रखें कोरोजिव ना हो, ये सब भी फैक्टर ध्यान में वो आता है आपका कोरोजिव रेजिस्टेंस में। अब आती है बात कास्ट, पैसा जो होता है आपकी मनी, इसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रिएक्टर की जाए हमारे पास कितना बजट है ये सबसे बड़ा जरूरी होता है। आता है लास्ट एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ, उस रिएक्टर की लाइफ कितनी है। जैसे हमारी और आपके ह्यूमंस की हम 100 या 80 या 85 अपनी एक लाइफ होती है, ऐसे कोई रिएक्टर की अपनी कितनी लाइफ है, कितने साल तक वह रिएक्टर रिएक्शन करा सकता है उस टाइप का मटेरियल के लिए जिस टाइप के मटेरियल के लिए बना है। तो ये सब जब फैक्टर हम लोगों ने देखा और हमने जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को ध्यान में रखा तो हमने 10 प्रकार के रिएक्टर को डिजाइन किया। कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। क्या है, पहला हेस्टोराइड टाइप रिएक्टर, दूसरा इनपोलर टाइप रिएक्टर, तीसरा टाइटेनियम टाइप रिएक्टर, चौथा टेंटुलम टाइप रिएक्टर, पांचवा मोनर टाइप रिएक्टर, छठवां स्टेनलेस स्टील टाइप रिएक्टर, सातवां माइल्ड स्टील टाइप रिएक्टर, आठवां ग्लास लाइन रिएक्टर, नौवां कार्बन स्टील टाइप रिएक्टर और लास्ट आपका पीएफए या पीटीएफए लाइन रिएक्टर। पीएफए को आपको बोलते हैं पर फ्लोरो एल्कालाइन, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। और वहीं इसकी पीटीएफए की बात करें तो पॉलीटीन टेट्रा फ्लोरीन इथाइलीन टाइप रिएक्टर, ये होता है 10 टाइप का रिएक्टर। और इन 10 का हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक क्लाइंट में बता के छोड़ दूं, नहीं, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रॉय में क्या होता है, हेस्ट्रॉय किस टाइप के रिएक्टर से मिलकर बना होता है, इसमें किस किस प्रकार की एलॉय का मिक्सचर होता है और इसका यूज कहां करते हैं और किस टाइप का रिएक्शन इसमें कराते हैं। तो चलिए अभी आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, अगले वीडियो में आपको हेस्ट्रॉय और इनकोनस 2 का डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्यादा लूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर डीपली डिस्कस नहीं हो पाएगा और वीडियो भी आपका लेंदी हो जाएगा। तो ये था आपका बेस्ड ऑन एमओसी, एमओसी के आधार पर रिएक्टर। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हेस्ट्रॉय टाइप रिएक्टर क्या होता है और इनकोनल टाइप रिएक्टर क्या होता है, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में एसएस जीएलआर और एमएस, क्योंकि यह 3 टाइप के रिएक्टर ऐसे हैं जो इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह था आपका एमओसी के आधार पर रिएक्टर्स के टाइप, और अगली वीडियो में मिलेंगे इसके डिस्कस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए और देते रहिए अपना खूब सारा प्यार। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।